नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर अवस्थित है महेर पहाड़। पहले यह इलाका माओवादी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जिसके कारण लोग इस क्षेत्र में जाने से कतराते थे। अब पहाड़ तक जाने के लिए सड़क बन चुकी है। यहाँ पर वन विभाग के द्वारा पौधशाला भी स्थापित की गई है। चैनपुर गाँव के पास से झरने तक का रास्ता जाता है। रास्ता क्या, जंगल झाड़ियों के बीच पगडंडे। लगभग एक घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद झरना मिलता है, जिसकी खासियत यह है कि एक पेड़ के तने से यहाँ पानी गिरता है, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। दरअसल पहाड़ से निकलने वाला झरना के बीच वह पेड़ से, जिसके होल से होकर पानी अपना रास्ता बना लिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह झरना वर्षों से अनवरत चल रहा है, यहाँ तक कि गर्मियों के दिनों में भी यह यूं ही चलते रहता है। लेकिन हाल के दिनों में ज्यादा संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। चूंकि पहले लोग इधर नहीं आते थे, इस वजह से इस जगह के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। हाल के दिनों में यहाँ हो रही भीड़ को लोग सोशल मीडिया का प्रभाव भी बता रहे हैं। एक बार जरा आप खुद सुनिए कि वहाँ के रहने वाले इस झरने को लेकर क्या बातें बता रहे हैं। ये जगह का अमझर नाम है, महेर पहाड़ है, और बरसात जो होती है उसके बाद में पहाड़ से ही झरना निकल जाता है, और बरसात में थोड़ा तेज हो जाता है, बरसात में तेज रहता है, जिसे अभी आप देख रहे हैं। पानी जो निकल रहा है, गुलर का वृक्ष है वहाँ पे, 7-8 वृक्ष आम का है, नीम का वृक्ष है, बेल है। बहुत सुहावना जगह हो ऐसे देखने में लगता है, आप भी अनुभव कर रहे होंगे। इस पहाड़ पे शिव जी का मंदिर है, माता पार्वती हैं, बजरंगबली हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे यहाँ लोगों के भीड़ इकट्ठा होता है। ये भीड़ समझिए श्रावण महीना तक ले बहुत ज़्यादा रहेगा, इसके बाद थोड़ा कमता भी है, मगर कुछ न कुछ लोग यहाँ आते ही रहते हैं बराबर। हार्दिक इच्छा है मेरा भी और कुछ आम जनता के भी ऐसा मत है कि अगर यहाँ कुछ अच्छा जगह बना दिया जाए, कुछ सरकारी हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे रमणीक जगह बन जाएगा। ये कुंड का जो पानी है, बहुत दिनों से मतलब आदमी जान रहा है, लेकिन अभी यूट्यूब वगैरह पर सब लोग नहाने आता है, तो कोई फेसबुक पर, कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया, कोई यूट्यूब बना के मतलब चैनल बना के डाल दे रहा है। उसी से अभी एक दो महीना से मतलब थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एक महीना पहले से थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भड़ाका बढ़ रही है। हालांकि पानी तो 365 दिन ही गिरता है। कहाँ से पानी आता है ये पानी, मतलब जो अभी पानी जहाँ दिख रहा है उससे 20 फीट आगे तक दिखाई देगा, उसके बाद पता नहीं चलेगा कि मतलब कहाँ से पानी आ रही है। अब भीड़ कब से? हाँ, भीड़ तो अभी एक महीना पहले से पूरा ज़्यादा काफ़ी लग रहा है। किस चीज़ से पानी निकल रहा है? ये पानी पहाड़ के अंदर से मतलब आ रही है। नहीं नहीं, पेड़ किस पेड़ से? पेड़ से नहीं, गुल्लड़ का पेड़ है, उसके बीच से पानी गिर रही है। लेकिन पानी मतलब पानी गिर रही है उससे 20 फीट आप आगे तक देखिए, उसके बाद पता नहीं चलेगा कौन खाई से आ रही है पानी। के बारे में तो मैं बहुत बचपना से इसे देखते आ रहा हूँ। ये 12 मास यानी 12 महीना इसमें पानी होते निकलते रहता है, लेकिन इस वर्ष बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वहाँ प्रत्येक दिन हजारों हजार आदमी नहा फिस करके जा रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। ये तक एक पर्यटक स्थल बन सकता है, उसके एकदम बन सकता है सर। तो आपके तरफ से क्या पहल की जा रही है? हम पहल तो किए हैं, अपने विधायक से भी मिला हूँ। तो सुना आपने कि लोग इस झरने से जुड़ी क्या क्या बातें कह रहे हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, ना तो सुगम रास्ता है और ना ही झरने के समीप सर छुपाने की कोई जगह। बरसात या धूप में यहाँ आने वाले लोगों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थानीय मुखिया कन्हाई पासवान बताते हैं कि उनके स्तर से यहाँ पर यात्री शेड निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष सुविधाओं के लिए स्थानीय विधायक से संपर्क किया गया है। ऐसी यानी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।